हर कामयाब और सफल इंसान में एक खास बात होती है कि उसे खुद पे हमेशा विश्वास होता है। उसमें आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं होती। ये आत्मविश्वास जिंदगी में हर कदम पर चुनौतियों का सामना करने में बहुत मदद करता है। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो हर इंसान को अपनी जिंदगी में अपनानी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, कामयाबी भी वहीं पर होती है। दुनिया की कोई भी फील्ड क्यों ना हो, पर हर फील्ड में सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास का, कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो रिलेशनशिप में ही क्यों ना हो, जिंदगी का कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, अगर आप उसमें सफल होना चाहते हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास होना, कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। जिसमें आत्मविश्वास नहीं होता, समझ लो वो दुनिया में सही तरीके से कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो ना आप करियर में सक्सेसफुल हो सकते हैं, ना ही अपनी पढ़ाई में, अपनी जॉब में, और ना ही अपने रिश्तों में सक्सेसफुल हो सकते हैं। जिस इंसान के भीतर कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो लोगों से बात करने में डरता है, वो ज्यादा दोस्त नहीं बना पाता, वो लोगों पर अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाता। सेल्फ कॉन्फिडेंस उस ताकत का नाम है जो इंसान को दुनिया में कुछ भी करने का हौसला देती है, ताकत देती है। बड़ी से बड़ी परेशानी भी आपके आगे टिक नहीं पाएगी अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। दुनिया का मुश्किल से मुश्किल काम भी आप बहुत आसानी से कर जाएंगे अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो। और अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो आपको आसान से आसान काम भी बहुत मुश्किल लगने लगेगा। अगर आपके भीतर आत्मविश्वास है तो आपकी सफलताओं की कोई सीमा ही नहीं होगी। और अगर आपके भीतर आत्मविश्वास नहीं है तो आप बहुत आगे तक कभी नहीं जा सकते। अगर आप में भी आत्मविश्वास की कमी है और आप अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, क्योंकि आत्मविश्वास एक ऐसी क्वालिटी है, एक ऐसा गुण है जो कोई भी इंसान कुछ आसान तरीकों से अपने आप में डेवलप कर सकता है, उसको बढ़ा सकता है, उसको बना सकता है। आज हम बात करेंगे ऐसी 5 बातों के बारे में जिससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ने से आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप जिंदगी में पाना चाहते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसी 5 बातों के बारे में जिससे आप अपने भीतर बहुत ही जबरदस्त कॉन्फिडेंस पैदा कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जिस काम को करने से डर लगे उसे बार बार करो। हमें अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाना चाहिए। जिस भी कारण से हमें लगता है कि हम कमजोर पड़ रहे हैं, वो काम हमें करते रहना चाहिए। लेकिन हम ऐसे काम से अधिकतर दूर भाग जाते हैं, उससे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने डर को ही, अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लें तो हमारा आत्मविश्वास कभी कम नहीं होगा। और इस कमजोरी को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उस काम को बार बार करें जिससे आप डरते हैं, जिससे आप घबराते हैं। यकीन मानिए, आपका किसी भी बात को लेकर घबराना खत्म हो जाएगा और आपकी कमजोरी ही आपकी ताकत बन जाएगी। डरना गलत बात नहीं है, लेकिन डर के मारे कुछ ना करना ये बहुत गलत बात है। डरते हम सब हैं, लेकिन जो अपने डर से जीतता है वही इंसान दुनिया में कामयाब होता है। याद रखना एक बात, जो इंसान अपने ही डर से हार जाता है वो जिंदगी से हार जाता है, और जो इंसान अपने डर से जीत गया ना, समझो वो सारी दुनिया जीत गया। और दूसरी बात, आप अपने लक्ष्य को छोटे छोटे उद्देश्यों में बांटें। अगर आपका कोई बहुत बड़ा सपना है तो उसके लिए आप प्लान करें कि आपको कौन से छोटे छोटे कदम उठाने होंगे जिससे आप उस सपने को एक दिन सच कर सकें, अपनी उस मंजिल पर एक दिन पहुंच सके। वास्तव में होता क्या है, लोग बड़े बड़े सपने तो देख लेते हैं पर उन्हें समझ में नहीं आता इतने बड़े सपने तक हम पहुंचेंगे कैसे, और उन्हें अपना ही सपना असंभव सा लगता है, झूठ सा लगता है कि ये सच हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर उसी बड़े सपने तक पहुँचने के लिए वो छोटे छोटे सपने चुन लें, छोटी छोटी मंजिलें चुन लें, तो ऐसा करते करते एक दिन वो अपने उस सपने तक, अपनी उस मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। और इससे होता क्या है, जब आप बहुत बड़े सपने देख लेते हैं और उन्हें पूरा नहीं कर पाते तो उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाता है, आत्मविश्वास ही टूट जाता है।
लेकिन जब आप अपने छोटे छोटे सपनों को पूरा कर लेते हैं, छोटे छोटे उद्देश्यों को पूरा कर लेते हैं, उससे आपके भीतर एक अद्भुत आत्मविश्वास पैदा होता है। आपके भीतर एक ताकत पैदा हो जाती है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए बड़े बड़े सपनों को हासिल करना है तो अपने छोटे छोटे सपनों को सच करने की कोशिश कीजिए। और तीसरी बात, आप जिम्मेदारी लेना सीखिए। जो इंसान किसी भी जिम्मेदारी को नहीं उठाता है, किसी भी जिम्मेदारी को नहीं निभाता है, उसके भीतर आत्मविश्वास कभी आ ही नहीं सकता। अगर आपके भीतर जिम्मेदारियों को उठाने की ताकत है तो विश्वास रखना, ये ताकत आपके अंदर कमाल का आत्मविश्वास पैदा कर देंगी। अब आप पूछेंगे कि किसकी जिम्मेदारी उठाएं। सबसे पहले तो ये जरूरी है कि आप खुद की जिम्मेदारी उठाएं। आप अपने काम खुद करना सीखें। एक छोटी सी प्रैक्टिस के बारे में बताया जाता है कि जो इंसान सुबह को उठकर अपना बिस्तरा, अपना बेड खुद बनाता है, ये छोटा सा काम करने से उसके भीतर आत्मविश्वास बढ़ने लगता है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं अपने आप को खुद संभाल सकता हूँ। ऐसे ही जो आपके छोटे छोटे काम हैं, आप उन्हें खुद करना सीखें, ताकि आप जो दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट हैं, वो आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। आप सेल्फ डिपेंड बनना सीखो। सबसे पहले तो खुद की जिम्मेदारी उठाओ, उसके बाद आप अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाओ। और अगर आप जिंदगी में और भी महान इंसान बनना चाहते हैं तो समाज की भी जिम्मेदारियां उठाना सीखो। लेकिन शुरुआत आप सबसे पहले अपने आप से करो। जो इंसान अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकता है, उस इंसान के भीतर गजब का आत्मविश्वास आ जाता है। वो इंसान कॉन्फिडेंस से भरा होता है। और जो इंसान खुद का काम खुद ही नहीं कर सकता, उसके भीतर कहां से आत्मविश्वास आ सकता है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप जिम्मेदारियां उठाना सीखें, खुद की भी और अपनों की भी। चौथी बात, गलती करने से ना डरे, फेल होने से ना डरे। बहुत से लोग गलतियां करने से डरते हैं। उन्हें ये पता नहीं होता कि मैं ये जो काम करने वाला हूँ, करना चाहता हूँ, इससे मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। याद रखना एक बात, दुनिया का ऐसा कोई भी सफल इंसान नहीं है जिसने कभी कोई गलती ना की हो। गलतियां तो होंगी ही, लेकिन उन गलतियों से सीखना बहुत जरूरी है। यदि आप अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर देंगे तो आपकी गलतियां आपको डराएंगी नहीं, बल्कि आपका आत्मविश्वास बढ़ाएंगी, आपकी समझ को बढ़ाएंगी। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने अपने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती के बाद ही अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। और आप परिणाम से डरना छोड़ दें। हर इंसान यही चाहता है कि सब कुछ परिणाम में अच्छा ही हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप जो भी कर रहे हैं उसका परिणाम अच्छा ही निकले, उसमें आपको सफलता ही प्राप्त हो। कई बार जो लोग जिंदगी में हार जाते हैं वही किसी बड़े मुकाम को हासिल करते हैं। अपनी एक हार को, अपनी एक गलती को जिंदगी की हार मानकर बैठ ना जाए, जिंदगी की भूल मानकर बैठ ना जाए, बल्कि अपनी उस हार से, उस गलती से आप हमेशा सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें, और ये चीज आपके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देगी। क्योंकि जब तक आपने कुछ किया ही नहीं है, आपको ये पता ही नहीं होता उस काम को कैसे करना है। लेकिन जब आप किसी काम को करते हैं और आपसे गलतियां होती हैं, तो धीरे धीरे उस काम से आप इतना कुछ सीख जाते हैं कि एक दिन आप उस काम में जरूर सफल होते हैं। और पांचवी बात, आप अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें, आप अपनी जानकारी को बढ़ाते रहें। जिस इंसान के भीतर ज्ञान ही नहीं है, किसी बात की जानकारी नहीं है, उस इंसान के भीतर कभी आत्मविश्वास नहीं आ सकता। वो खुद को हमेशा दूसरों से कम ही देखेगा। उसे हमेशा यही लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आता। आपके पास और कुछ हो या ना हो, लेकिन आपके भीतर अद्भुत जानकारियां और ज्ञान भरा हुआ हो, तो आपका आत्मविश्वास आसमान को छुएगा। और आप अपने ज्ञान के बल पे ही लोगों पर अपना प्रभाव जमा सकते हैं, दुनिया की हर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और जिंदगी में जब भी आपका आत्मविश्वास कम होने लगे, तो समझ लेना कहीं ना कहीं आपकी जानकारी में, आपके ज्ञान में कमी रह गई है। तो आपको उसको बढ़ाने के लिए अपनी जानकारी को बढ़ाते रहना चाहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए। अगर इन पांच बातों को आप अपनी जिंदगी में अपना लेंगे ना, तो विश्वास रखना दुनिया की हर कामयाबी, हर सफलता आपको जरूर मिलेगी। क्योंकि एक कॉन्फिडेंट इंसान, एक आत्मविश्वास से भरा इंसान, वो जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है।
वो अपनी जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी आसानी से बाहर निकल सकता है। तो इन 5 बातों को अपनी जिंदगी में अपनाकर आप एक कामयाब और खुशहाल इंसान बनें।